मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वो आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मैनपुरी में जीतने से कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को संतुष्टि नहीं मिल रही है। बीजेपी अंदर खाने बहुत ज्यादा जल भून कर खाक है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी नेताओं के जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं ना, उनसे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अंदर ही अंदर कितना ज्यादा जलकुकड़ी बन चुकी है। देखिए दोस्तों, सुब्रत पाठक बीजेपी के नेता हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया और उस बयान पर अखिलेश यादव ने ऐसा पलटवार किया है कि बाकी लोग क्या खुश होंगे, मीडिया बहुत खुश हो गया और मीडिया हंसने लगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मीडिया के बीचों बीच खड़े होकर अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। देखिए, सुब्रत पाठक ने एक बयान दिया कि शिवपाल यादव, या दोस्तों शिवपाल यादव मैनपुरी से बीजेपी से लोकसभा सीट मांग रहे थे लेकिन बीजेपी ने वो टिकट देने से उनको इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव का हाथ थाम लिया और अखिलेश यादव के साथ वो चले गए, जिन्होंने मिलकर अखिलेश यादव के साथ मैनपुरी का चुनाव लड़ा। अब सुब्रत पाठक ने इतना बड़ा बयान दे दिया है तो इतने बड़े बयान पर मीडिया तो सवाल पूछेगा अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है, आप इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? अखिलेश यादव ने इस पर जो पलटवार किया है वो बेहद दमदार पलटवार था दोस्तों, अभी तक का बेहद दमदार पलटवार। उन्होंने कहा कि सुब्रत पाठक जी पहले अपने मुंह से खैनी तो थूक दें, पहले खैनी जो मुंह में दबाए हुए हैं, अगर पूरा दिन मुंह में खैनी दबाए रहेंगे तो फिर विकास करने का इन लोगों को मौका कहाँ से मिलेगा, इन लोगों के पास समय कहाँ रहेगा कि ये लोग विकास कर पाए। पहले जो मुंह में खैनी दबाए हुए हैं वो थूके तो सही। तो इतना बड़ा बयान यहाँ सीधे तौर पर उन्होंने दे दिया है। आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि कुछ समय पहले ही जब विधानसभा का सत्र शुरू था तो विधानसभा सत्र के दौरान दो नेता सब सदन में बैठकर एक तो गुटखा खा रहे थे और दूसरे यहाँ पर ताश की पत्ती खेल रहे थे। तो इन दोनों का ही वीडियो जो है अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। तो अब जब सुब्रत पाठक ने इतना बड़ा बयान दिया है शिवपाल चाचा को लेकर, तो अखिलेश यादव ने भारी पलटवार करते हुए उनको सीधे सीधे तौर पर खैनी का जिक्र करते हुए करारा तमाचा मारा है दोस्तों। अब इस तमाचे पर आपकी क्या राय है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा हो अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।